अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आया नो पखैर अगले निहाओ चुनो शमे वश्मले हाय गुजाइमस गुटमोगन ओला बोयो प्रीवियस कैफा हाल हाल शमा चतोर एहलन वसालम مرحبا बुना मुचो ग्रासियस फावियो भल्ली करे आया होस ख्याल देन रायो सायो खुया मोरा ची वतो जी हाजियत काले मेरा खैरु तान एंड बाय बाय वेलकम टू एवरीबॉडी हु स्ट्यून इन टू पीडीवी स्पोर्ट्स एंड आर वाचिंग द प्री मैच ऑन गेम ऑन है डेढ़ से जार में मुझे कहते हैं शहजाद असान खान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे सर्टली बिफोर दी सेकेंड टी बिटवीन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एट सिडनी बट बिफोर वी एक्चुअली काइंड ऑफ आई इन दैट दैनवर्सेशन की आज क्या करना चाहिए आई थिंक वी वुड सर्टली वर्टली टू गेट स्टार्ट विद अ बिट ऑफ रीक है इससे पहले अपने मॉजि मेहमान का तारुफ़ कराऊँ मैं यहाँ पर यह बात ज़रूर मैंशन करना चाहता हूँ जब पाकिस्तान को इंग्लैंड में पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विक्ट्री मिली बड़े खुश हुए उसके बाद जब हमने वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराया बहुत खुश हुई अनफॉर्चुनेटली जैसे ही पहला टी ट्वेंटी हमारे हाथों से स्लिप हुआ आई थिंक एक प्लेथोरा ऑफ लॉट ऑफ जजमेंट्स एंड एनालिसिस केम ऑन टू सोशल मीडिया आई डोंट थिंक विल वर्क फॉर पाकिस्तानी टीम एज ऑफ नाउ अगर हमने करना आई थिंक देर नीड्स टू बी एन ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म और अगर क्रिटिसिज्म के हवाले से बात करते हो सो ऑब्वियसली रिजवान को मेरा ख्याल है वो स्लैग जरूर देना पड़ेगा कि नए स्किपर हैं अभी आए हैं जज कर रहे होंगे चीज़ों को

I think this gentleman has done it all to be very honest and he's made sure that he's going to bring a lot of pride for Pakistan. Ladies and gentlemen, we're very lucky that we've been joined with the former test cricketer himself, Mr. Shoaib Akhtar. Assalam o alaikum Shoaib, how are you? Bhai, aslan, bhai, aslan. Welcome back sir. We <laughs> <Missed> were <laughs> New York. You were in New York, so we were missing you. We even asked for an emergency, ke, sir. Please come. Hmm. No, I was, um, I was in New York for a bit. I'm coming straight from New York. I'm coming straight from the studio. So I had a cold shower, had a couple of coffees and, uh,

क्या आपको लगता है सबसे पहले कि टॉस जीतकर जो वनडे इंटरनेशनल में हमारी मनतक थी दो चीज़ें मैं क्लब करूंगा वो ठीक है कि अभी हम टॉस जीते हैं उसके बाद बॉलिंग का फैसला करें डीएलएस को मद्देनजर रखते हुए आपने यही बात बोली थी कि जब पहले बॉलिंग करनी चाहिए टीम को एडवांटेज होगा अगर हम बॉलिंग करने भी जा रहे थे तो क्या हमें ये सोच नहीं लेना चाहिए था कि यार हम जैसे दो दो ओवर्स अपने मेन स्ट्रीम पेसर्स के ऊपर डिवाइड करें उसके बाद अब्बास को एक दे रहे हैं विच हर्ट हर्टस देखें सात ओवर का मैच था उसमें प्रोविजन ये थी कि आपके एवरी बॉलर कैन बॉल टू ओवर्स तो पांचवा बॉलर खिलाने का मकसद बनता ही नहीं था uh, अब्बास का हाइंड साइड में आप कह सकते हैं जिस तरह का उसने ओवर किया कि आप इसको छठे से पहले पांचवा ओवर करवा सकते थे चाहे आपके पास ऑप्शन होती है उसके पास एक और ओवर करने के लिए सात ओवर में ज़रा क्रिटिसिज्म करना या वो मैच मतलब इतना छोटा मैच उसमें क्रिटिसिज्म करना ज़रा मुश्किल है लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान का स्क्वाड है ना ये हमने प्री मैच में भी बात की भाई भी मतलब ओवरऑल पाकिस्तान का जो स्क्वाड अगर आप उसको देखें ना उसकी बैटिंग तो ऐसे लगती है बड़ी कंजर्वेटिव और केयरफुल सा स्क्वाड बनाया हुआ है आपके पास पावर हिटर्स नहीं है फ़खर ऑब्वसली नहीं है रिजवान कह रहा है कि फ़खर की बातें कर रहा है तो शायद वो वापस आए बट एट द मोमेंट अगर सिक्स एटिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया फार अ हेड दैन पाकिस्तान दूसरा जो था ब्रिस्बेन रिजबिन मैच में बात हुई थी बाउंस उधर ज़्यादा है बाउंस अगर आपका दोस्त नहीं बनेगा वहाँ पे तो आप स्ट्रगल करोगे स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत लंबी थी उन्होंने पहले ओवर में स्पेंसर ने ओवर किया एक बॉल आगे किया उसको चौका लगा उसके बाद बारह रन हुए उस ओवर में लेकिन उसने बॉल आगे नहीं किया बिकॉज डिफेंस डिफेंड उन्होंने स्क्वायर बाउंड्रीज करनी थी तो वो थोड़ा सा उनको गैबा का आइडिया ज़्यादा है सिडनी में उतना बाउंस नहीं होगा ग्राउंड भी थोड़ा सा छोटा है तो पाकिस्तान कम्स इन टू प्ले बट ओवरऑल जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट है उसमें टी ट्वेंटी में तो आपको प्लेयर्स चाहिए हु कैन क्लियर द रोप अभी yeah. तक पाकिस्तान का टॉप सिक्स या इवन पूरा स्क्वाड देख लेना तो आप एक बंदा मुझे पिक आउट कर देंगे नहीं यार ये वो पावर हिटर है ये वो हार्दिक पांड्या है या ये वो स्टोनस है या ये वो मैक्सवेल है या ये ऐसा प्लेयर है जो कि गेम चेंज कर सकता है वो प्रॉब्लम सिर्फ उस मैच की नहीं है अभी आप स्क्वाड जब दिखाएंगे ना उसमें मुझे आप बता देना कि किस में से कौन बंदा आप पिक करते हैं कि यार ये दो तीन छक्के मार लेगा और ये कंसिस्टेंट सर न्यूज तो दे सकता हूँ व्यूज नहीं दे सकता आप दोनों के होते हुए आई क्विकली मूव ऑन टू भाई भाई हमने वनडे इंटरनेशनल के परस्पेक्टिव में लाइन और लेंथ के हवाले से बात की उन्होंने भी अभी अंधिया दे दिया उसका कि यार अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं उनके बॉलर्स ने फिर mm -hmm. आगे नहीं वो आए वहां पे अगर हम देखते हैं हमारे बॉलर्स कंसिस्टेंटली आगे पिच भी करते रहे जहां फील्ड करने की जरूरत थी mm -hmm. वो भी mm -hmm. हम नहीं कर सके आखिरी ओवर में बीस रन में शायद बाबर ने एक चौका छोड़ दिया उस्मान ने कैच ड्रॉप कर दिया सो दे वाज लॉड ऑफ थिंग्स ऐसा लगा कि शायद अब पाकिस्तान टीम सेटल नहीं हो पाई एज एज बाजी सर ना कि इतने छोटे मैच में आप क्रिटिसिज्म कर नहीं सकते बट इज़ नॉट लॉट टू टॉक अबाउट इट कम्स टू स्मॉलर वर्जन ऑफ द गेम सेवन लुक आई हेट टू यूज दिसंट है जिसको हम बैस बॉल भी कह सकते हैं ठीक है वो खेलना चाहता है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड टू कट फॉर रोल पीपल ठीक है मेरा मिडल ऑर्डर ये होगा मेरे स्लॉगर्स ये होंगे मेरे ये स्ट्राइक रोडेटर होंगे और प्लस अलॉन्ग विद बाबर एंड हमसे यार हमारी रोटेशन स्ट्राइक ही होगी मुझे रना बॉल खेलना है मुझे रनअ बॉल नहीं खेलना मुझे स्ट्राइक ज़्यादा बेहतर करना मुझे तीन या चार रनज एन ओवर में वनडे की बात कर रहा हूँ अगर टी ट्वेंटी में आप आते हैं देखें टी ट्वेंटी में दो ही बैट्समैन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं वो हैं टोटल पूरी तो क्रॉस तो बोर द बोर्ड दुनिया में देख रहे हैं ओपनर्स दायरा दायरा और छे जी बट अगेन

खुद बैठना पड़ेगा कि मुझे ये लड़के चाहिए अच्छा ये अच्छी खूबसूरत बात की चले इसी के साथ मैं बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ ऐसा लगता है कि शायद रिजवान का डिफरेंट माइंड सेट है गिलिस्पी साहब का अलग माइंड सेट है जो हमारे परफॉर्मेंस सेंटर के कोच है उनका अलग माइंड सेट है और शायद हो सकता है आने वाले वक्त में सबका का माइंड सेट अलग अलग है लेकिन यही माइंड सेट था जब अभी हम इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ के लिए उतर रहे थे जब हम ऑस्ट्रेलिया के वनडे के लिए जाए थे कट फॉर ऑल पीपल कोई नहीं थे हमारे पास आकिब भाई आए अलीम डार है अजहर अली आए उन्होंने हिसाब किताब लगाया उनका ये यही हो चार मुख्तफ स्कॉड्स हमने दिए वनडे के लिए अलग हमने टी ट्वेंटी के लिए अलग जिम्बावे के वनडे के लिए अलग टी ट्वेंटी के लिए अलग माइंड सेट सेम किसी को नज़र आ रहा है अभी इस वक्त देखिए मसला ये हुआ कि जब आप इतनी देर से टेस्ट मैच पाकिस्तान में नहीं जीत रहे थे और, और प्रेशर बढ़ता जा रहा था आप ये कह दें कि नहीं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रेशर बढ़ता जा रहा था गिलेस्पी जब आया उसने बात की कि हम ऐसे ब्रांड ऑफ क्रिकेट डेवलप करेंगे वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जब तक वो आया ना तब तक प्रेशर पहले ही था जब आप बांग्लादेश से हार जाते हैं तो और मजीद प्रेशर तो वो कुछ करना था जैसे पाकिस्तान मैच जीते अब जब वो कुछ किया वो अब हाथ सारा कुछ पावर जो थी जिन्होंने डिसीजन लिया कि जी ऐसा पिच बनाएंगे कड़े मरवाएंगे बॉल स्पिन होगा हम जीतेंगे एंटी बॉल्स पर वो कामयाब हो गया अब जब वो कामयाब हो गए तो वो अब डोमिनेट करेंगे ठीक है अब सेलेक्टर्स या जिनकी डिसीजन ये थी कि आप फास्ट बॉलर से हट जाएं आप स्पिनर से जीतेंगे और वो जीत गए और टर्न अराउंड हुआ बहुत मैसिव टर्न अराउंड है वो अब पावरफुल हैं प्रॉब्लम जो शुएब भाई कह रहे हैं कि रिजवान को बीच में बैठना चाहिए बिल्कुल बैठना चाहिए बट अगर आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई है दे शुड सेलेक्ट 15 का स्कॉड रिजवान से मतलब आप उससे मशवरा ज़रूर लें ये बड़ा मसला ये इस... हो गया मैं पहले ये बड़ा मसला था कि को कोच भी वोट कर रहा है सिलेक्शन कमेटी में कप्तान भी वोट कर रहा है सेलेक्टर्स भी वोट कर रहे हैं अब सात बंदे आठ बंदे बैठ जाएं हम तीन बंदे बैठ जाएं तो रिजल्ट <laughs> नहीं, नहीं, नहीं आता तो सात बंदों में से टीम कैसे सिलेक्ट हो तो बाजी भाई का बेसिकली कहना यह है जो उन्होंने पिछले मैच से पहले कहा था कि भाई सिलेक्टर्स अपना काम करें कप्तान अपना काम करें कोच अपना अपना काम करें अपनी यार सबसे ज्यादा से कप्तान की होनी चाहिए खत्म बात बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आमतौर पर यह होता है कि सिलेक्टर्स बैठते हैं कैप्टन आता है कोच आता है उससे मशवरा ज़रूर लेते हैं कि वो कहता है मुझे एस 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 की टीम जब वो निकलते हैं वो टीम अनाउंस कर देते हैं अभी ये हो रहा था कि कोच ये कह रहा है कि मुझे ये टीम चाहिए कप्तान ये कह रहा है मुझे ये टीम चाहिए अब सिलेक्टर्स जिन्होंने रिवाइवल एक किया है वो कहते हैं नहीं तुम पिछले पीछे से तुम हारते आ रहे हो तो अब ऐसे होगा तो प्रॉब्लम उसमें मिक्स हो गया कप्तान की बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा सेफ yeah. होनी चाहिए बिल्कुल उसको जो पंदा चाहिए वो चाहिए बिल्कुल बट अगर आप इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व कर लेते ना तो hmm. फैसला थोड़ा कमजोर हो जाता है फैसला बिल्कुल कमजोर हो जाता है जरा शे भाई बॉलिंग के हवाले से बात करता हूँ वनडे hmm. में हमें जिस फॉर्मूले ने जिताया वो फार्मूला शायद हमारे लिए पहले टी ट्वेंटी में नहीं चला बेशक डी एल एस की वजह से सात ओवर्स की गेम थी लेकिन दो दो हमने दिए नसीम को शाहीन को और हारिस को और उसके बाद एक हम बास अफरीदी के लिए रख लेते हैं आपको नहीं लगता था यार यहाँ पे स्पिनर की जरूरत थी हमें यू नो हम एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ गए क्या हम बहुत ही डिफेंसिव होकर खेलना चाहते यार जब तुम ऑस्ट्रेलिया लैंड किए थे ना तो हम ये यकीन था कि हम तीन वनडे जी जाए नहीं बिल्कुल तुम्हारे ग्यारह पूरे पिछले बाईस साल में नहीं था ग्यारह पूरे थे <laughs> क्या exactly. <laughs> तो रिलैक्स करो ना जो मिल गया है वो उसको करो ठीक है ठीक है ना उसका कोई मसला तो नहीं चुम चुम मार देना था था <laughs> ना ना फायदा तो कोई अब रिलैक्स अभी चुपचुपाटी इस का भी जगह पक्की कर रहा है लोग देख रहा है किसी भी सिलेक्शन में लाइकनेस का क्राइटेरिया होता है कि मुझे इस पे ज्यादा है मैंने इसको लेना है ठीक है। लॉट्स लॉट हैज़ बी बाय कैप्टन कप्तान की अल्टीमेटली कैप्टन so, तो ठीक है एंड कैप्टन टू बी स्ट्रांग कैप्टन स्ट्रांग कैसे बनेगा जब वो जीतेगा अब वो जीता है तो वो स्ट्रॉन्ग है ठीक है ना बाईस साल बाद जीता शेव भाई ने भी बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कहा यार रिलैक्स करो तुमने कौन सा कोई सोचा था कि पहले वनडे इंटरनेशनल तुम जीत जाओगे तो रिलैक्स करने की जरूरत है और कितना तुम लोग अचीव करना चाहते हो अब शेख भाई को अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बादशा जितनी कामयाबी उन्होंने देखी ये दुर्ख तो ये भी नहीं रहे अभी आज ही न्यूयॉर्क से पहुंचे हैं बिजी रह रहे हैं हर वक्त तो हम भी ये चाहते हैं एज़ पाकिस्तानी कि हमारी टीम भी बिज़ी रहे डिलीवर करें मैं मतलब एक छोटे से बक्फे की जाने बढ़ना चाहता हूँ जब वक्फे के बाद वापस आएंगे मेन स्टे प्लेयर्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ बाबर भी है रिजवान भी है डाउन दी ऑर्डर आते हैं आगर सलमान सर ये एक्सपेक्ट करते हैं तो स्लॉग करे कौन करेगा मैक्सवेल के रिवर्स स्लॉग ने

कि अगर मेन स्टे प्लेयर्स की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कट फॉर ऑल जो शुएब अख्तर साहब ने बात की थी उसमें एक चीज़ ये नज़र आती है कि रिजवान भी खेल रहे हैं बाबर भी खेल रहे हैं डाउन दी ऑर्डर आगा सलमान भी खेल रहे हैं तो जो कट फॉर रोल भाई हमारे पास जो खिलाड़ी होने चाहिए अनफॉर्चुनेटली हो सकता है आप उस्मान को देखते हो या जहाँदात को जहाँदात को, को तो हमने पिछले मैच में खेलाए नहीं है कौन से खिलाड़ी साइन के साथ हमने रिजवान को पेयर किया था यूनो के ओपन करेंगे फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद अब हम पहला टी ट्वेंटी खेले अनफॉर्चुनेट रहे हाउ डू यू सी जो हमारी टीम सिलेक्शन है कि यार कितने लड़के कैसे कैसे होने चाहिए देखिए जो आपका स्क्वाड है उसमें तो आपको कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा मुझे भी जो सलमान अली आगा की बात की इसने यूनाइटेड में जब रनस किए तो तब ही रनस किए जब इसको ओवर ज़्यादा मिले ऊपर से आउट हो जाए तो फिर रनस करता है टी ट्वेंटी में मैं बाकी फॉर्मेट्स की बात नहीं कर रहा तो आप मैच उसी सूरत जीत सकते हो कि आपके वन टू थ्री रनस करें और मैच वही जीतोगे जब आप वन एटी मैक्सिमम उससे ज्यादा फिर पाकिस्तान से मतलब जीत सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो से बाहर हो जाता जाता है है बाहर आप सीलिंग की बात करते हैं हाई सीलिंग आप इस बैटिंग लाइनअप को देखते हो और कहते हो यार ये 230 कर सकते हैं नहीं शायद एक आध एक दफ़ा कर सकते हैं लेकिन पोटेंशियली आप देखते हो कि इनकी सीलिंग वो नहीं है तो आपकी बॉलिंग ही आपको मैच जिताती है और आप अगर आप मैच जीतोगे तो आपकी बैटिंग वन टू थ्री या फोर तक अगर आपको एक सौ कर जाए तो फिर आप मैच जीत सकते हो जो इस सीरीज़ की अगर बात करें जो थोड़ा सा शुएब भाई तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के किंग है इनको सब पता है लेकिन दूर से बैठे ऐसे लगता है कि ब्रिस्बेन में क्योंकि साइडों की बाउंड्रियाँ बहुत बहुत बड़ी थी यहाँ सिडनी का ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है और उस तरह का बाउंस नहीं होगा तो शायद उस तरह पाकिस्तान थोड़ा सा करीब आता है सिक्स सिटिंग में और मतलब छक्का तो आपको छक्का ही मिलना है ना चाहे आप दो एक सौ बीस मीटर का मार दो लेकिन अगर थोड़ा ग्राउंड छोटा होता है तो उसमें थोड़ा सा लेवल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग स्किल लेकिन बॉलिंग स्किल हमने पिछले मैच में भी बात यही कर रहे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की बॉलिंग है जी ऑस्ट्रेलिया की बहुत यंग बॉलिंग है ठीक है ठीक बॉलर्स है लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ऑन पेपर आप देखें तो बहुत सुपीरियर है बेहतर exactly. मैं जरा बॉलिंग के हवाले से ही बात कर लेता हूँ अगर आप आपकी तरफ आते हैं ऐसा लगा पाकिस्तान को देखते हुए हैं उनकी फॉलो विकेट्स के ऊपर भी नज़र डिलवाना चाहता हूँ अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब प्लीज इफ वी कैन प्ले द फॉलो विकेट्स एज वेल प्लीज्लेसा लगा कि शायद हम जल्दी कर रहे हैं खेलने में और शायद जो जहाँ पे हम बात करते हैं हेजलवुड की स्टाक की पैट कमिंस <coughs> की के इतने सारे खिलाड़ी नहीं खिलाए गए क्योंकि उनका जो बॉर्डर खेलते तो बेहतर होता है यही बात करने लगा <coughs> कि ऐसा ऐसा हुआ है कि लगा ऐसा है कि दिखाई कुछ और है और मारी कुछ और है देखिए यार लुकिंग सर्चिंग फॉर राइट सर्फ अ कॉम्बिनेशन इट विल हैपन बट अब फॉल विकेट देख लें अभी फरहान है ना जी अब बच्चा इसको नहीं पता बाउंस का नहीं पता ना बाउंस ये, तो तो नहीं, नहीं। <laughs> ये शॉट दुबई में लग सकती है समझा ना ये और चीज है ठीक है ना अब ओवर देखो ना ठीक सात ओवर मैच सात ओवर के मैच में ऐसे ही होता है इस पर ज्यादा वो नहीं करना हमने यार उन्होंने भी तो तिरानवे किए ना हम हाँ पंद्रह हाँ जी चोई साहब लेकिन पैदा भी ना <laughs> शाह में खेल के पहुंचे हैं यार वो यहाँ आते हैं तो यहाँ ऐसा लगता है कि वो यहाँ पैदा हुए वहां जाते हैं वो तो वैसे उनका होम ग्राउंड है लग तो हर जगह यही रहा ही पूछना चाहता हूँ डिफरेंस है बाउंस का प्लस मैंने ये पहले बात की मतलब आप आजकल के दौर में ना आप ये अब लैंड हुए हैं और साथ ही गैबा में इन साथ ही मैच खेला है तो बाउंस का कोई आइडिया नहीं।, नहीं होता इवन पुराने वक्तों में जब वो दूसरा तीसरा टेस्ट मैच होता था तो टीम एडजस्ट कर चुकी होती थी बाउंस से तब भी और ख़त्म होता है इधर तो टूर शुरू होता है और ख़त्म होता है एडजस्टमेंट तो का टाइम बहुत मुश्किल है दूसरा अब जैसे ब्रिजबन से गैबा से एकदम वो बाउंस से अभी सिडनी जाएंगे अब ये शोहेब भाई बता सकते हैं वहाँ पे ये क्या एकदम गैबा में ग्राउंड घास वाला है गैबा में ग्राउंड रेत वाला है रेत के ऊपर घास है ठीक है सिडनी मिट्टी वाला घास है दूसरा गैबा की विकटें जो स्क्वेर है वो स्पंज है उसमें स्पंज मतलब जो टेनिस पाउंड जो होता है ना उसमें वो होता है सिडनी इज नॉट एज क्विक इट इज सिमिलर लाइक एडलेट सिम्... एडलेट से खैर थोड़ी बेहतर होती है सिमिलर लाइक पिंडी की विकेट देखते हैं आप पिंडी की विकेट पुरानी विकेट याद होगी को याद हो थोड़ा सा नेप थ्रू करता है तो बात याद आई नहीं नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। थ्रू पे फोकस कर रहा था तो एक्चुअली यहाँ पे बॉल बल्ले पे बेहतर आएगा ठीक है यहाँ पे जो गैबा में जो मैंने झलकियाँ देखी हैं इसमें नहीं समझ आ रही शॉर्ट्स वो ऑन नहीं है जो सब कॉन्टिनेंट के शॉर्ट्स हैं वो यहाँ ऑन नहीं है इस टेक्निक के साथ ये शॉर्ट्स नहीं लगते दे ट्राइड देयर बेस्ट यू नो टू प्ले दैट आउट ऑफ द स्किन दे हैव डन दैट

हमें बॉलिंग पे बैटिंग करनी चाहिए सॉरी यूजिंग द रॉन्ग वर्ड हमें बॉलिंग पे हमें आ, फोकस करना चाहिए एंड वी मेक श्योर दैट यू नो कि हमें बॉलिंग से मैच तो भाई हम बॉलिंग पे फोकस करते हैं देखिए वनडे में तो हमारे बॉलर हमें काम करके दिया जहाँ तीन सौ साढ़े तीन सौ का फटा लगना था उन्होंने डेढ़ सौ में टीम रैप अप करके हमें दे दी हमारे बैटर्स के लिए आसान था डेढ़ सौ रन बनाने अब ऐसा होगा कि हमें सब डिपार्टमेंट से चाहिए होगा हमें बैटिंग भी चाहिए कि वो yeah, भी परफॉर्म करें सो क्रिटिकल अबाउट इट इट्स ओनली टिकल अबाउट इट मुझे ये लगता है इट्स ओनली 3 टी 20 गेम्स ओके रिमेंबर दिस न्यू कैप्टन न्यू टीम अभी तुम मेरी बात सुनो अभी टीम 11 का नहीं पता था तुम्हें क्या टीम अनाउंस हुई थी पता था तो डेढ़ महीना पहले 20 महीने पहले पता था तो फिर कप्तान का नहीं पता था तो फिर क्या करें तो तो अगर हो रिलैक्स करो करना कर, गर गर कर कर नहीं है हमें ये बताना है लोगों को ये मुश्किल होता है ठीक है हमारे कम अज कम चार फोर डे गेम होते थे मिनिमम कितने चार चार मिनिमम किधर किधर आप तो उसमें पैदा भी नहीं हुए थे तो उस वक्त की बात करो नाइन्टी एट की वहाँ पे चार मिनिमम होते थे एक पर्थ में खेलते थे एक ब्रिजन में खेलते थे एक हम जाके एडलेट में खेलते थे चार से तीन से चार मिनिमम फोर डे गेम्स होती थी उसके बाद कहीं कंडीशन होते थे कंडीशन के बाद उसके बाद हमारी हालत देखी तुमने पाकिस्तान बैटिंग की अब इनमें से कोई इंजाम से बेहतर है कोई तो सरफ... सक, को बेहतर या हमारी जो बैटिंग लाइनअप थी इतनी बड़ी थी बैटिंग वो सारी सारी कलेप्स होती थी बिल्कुल नहीं ये नहीं आप भी कलेप्स हो मैं ये नहीं कथन कह रहा कि आप भी कोलैप्स हो मैंने कहा उन्होंने भी कख नहीं किया तो कुछ नहीं करना लेकिन अगेन दैट यू नो फॉर यू इज़ द बॉल ठीक है अच्छा जी बैक करते हैं इसको बाजी भाई की तरफ बढ़ता हूँ

बेसिकली फोकस आप किस करते हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में अभी टाइम है ठीक है आपके पास काफी मैच अभी टाइम है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में तो इस बायलैटरल सीरीज में और, आ, स्टेक पे वो बहुत तो ज़्यादा कुछ, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है बट यू हैव टू मेक श्योर के जो जिस, जिस तरफ आप जा रहे हो जो आपकी सोच है कि हम इस किस्म की क्रिकेट खेलेंगे या हम एकदम ऐसे खेलना शुरू कर देंगे इन प्लेयर्स के साथ जाएंगे वो बिल्ड करेंगे यार हमने बेटा आपको नहीं लोगों को समझाना है आपके थ्रू आप, के आप नहीं नाम से आदि नर्जी आप खा जाते हैं हमने उनको समझाना है कि नई टीम है हो तो हो रही है, हो रही है है कप्तान को थोड़ा अख्तियार मिलेगा उसका मौका मिलेगा वो कर लेगा अपने स्लॉगर्स भी ले लेगा ले मैच विनर्स भी लेगा ले 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 अपने नंबर भी ठीक करा अभी उसको तो नहीं पता ओपनर कौन है बताओ ओपनर्स कौन थे हमारे टी में लास्ट नहीं पीछे कौन था पिछले दो तीन सालों से ओपनिंग कौन कर वो तो अब रिजवान तो तो नीचे किया आपने है। ये आपको? ये समझ है इस चीज़ की? बिल्कुल ऐसे ही। नहीं है ना आपको समझ वो, वो तो में छोड़ के हालांकि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है मिडिल ऑर्डर था छह सात पीएसएल में स्ट्रेंथ उसकी ऊपर है बिल्कुल दायरा है नया बॉल है यहाँ पे ये ये हर चीज चल जाती है पीएसएल में ठीक है वो फिर भी कुर्बानी देकर नीचे आ रहा है दैट मीन्स इज लुकिंग फॉर राइट कॉम्बिनेशन बट ए चांस टू यंग यंगस्टर अब यंगस्टर को फरहान को नहीं पता साइम को नहीं पता अब यहां भी ये शॉर्ट नहीं लगा यहाँ यहां ये किया ना तो ये छह दांत बार होने हैं तो समझे ना तो इसको थीक आपको हैव टू नेविगेट ठीक है टाइम देना पड़ेगा जी मेहरबानी मेरे, मेरे ख्याल है आप भी टाइम दें देखिए इसी मूड को कंटिन्यू करता हूँ आप ब्रेक ले ले आप स्विच चेक कर रहे हैं अभी ब्रेक ही होती देखिए बाजी भाई आ, ये जो अभी शोएब भाई ने आ, बात की हमने बिल्कुल पहले मैच से पहले प्री मैच में ये बात की तो आपने मुझे ये बात का जिक्र किया तसकर किया कि यार मुझे ये लगता है कि रिजवान को अपने जो ओरिजिनल प्लेयर था उसी के साथ

All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. certainly moments ंगली फ्रॉम दी सेकेंड टी where the summer has officially arrived in Sydney, the beach capital of Australia. हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मिस्टर बाजिद खान मिस्टर शेख बख्तर मैं शेब बख्तर साहब की जाने भी बढ़ना चाहता हूँ सर अब हमने बात कर ली काफ़ी सिडनी के हवाले से भी आपने बताया कि एसी जी में आपको आपको बाउंस इस तरह का मिलेगा कि मैनेज हो सकता है हाउ डू यू थिंक आप अब सवाल में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम इन विकेट्स की बात हैं हमने पिछली रिजवान के लाई अमल भी देखी फॉर अ पॉजिटिव आउटकम टॉस जीत कर आज पाकिस्तान को क्या करना चाहिए जी मैंने आधे घंटे घंटे से यही बता रहा। <laughs> बैटिंग करनी चाहिए लाई अमल चेंज कर लेना चाहिए शाम में करें बॉलिंग अगर डेढ़ सौ भी करना कर जाए पाकिस्तान

ठीक है बजीद तो मेरे साथ खेला हुआ केरल में तो उसका तो पता है ये तो चालीस पचास ओवर तो हो जाते थे बीस बीस का तो सेट ऑफ ओवर तो होते थे वो तो नॉर्मल चीज़ थी मतलब आए तो अगर फर्स्ट क्लास में अगर आप मेरे मैच निकाल लें डेढ़ सौ मैच है मेरा फर्स्ट क्लास का बाई तो बार लगता है नहीं है जितना मुझे पाकिस्तान के खिलाना चाहिए था उतना मुझे फर्स्ट क्लास खिला दिया और पिटता ही रहा हूँ पी आइए और उसको मुझे अंदर खिला दो बाहर मुझे छोड़ दो बाहर अगेन बैड मैनेजमेंट बट ये बच्चे की मैनेजमेंट टी ट्वेंटी से हुई हुई है अब इनसे मैं टेस्ट मैच के स्पेल मांग रहा हूँ इनसे मैं फिटनेस मांग रहा हूँ कैसे मांग रहा हूँ भाई क्यों मांग रहा हूँ नहीं हो सकता बट नाउ फाइनली टाइम हैज ये ठीक है के अगर आज ये मैच ऑन कर देते हैं तो ठीक है ना नहीं नहीं हम पर सीरीज जीत रहे हैं बताया था ना उस विंडो के बारे में और ये सीरीज जीत भी सकते हैं

तुम कहाँ से कहाँ मिला, मिला आप आप तो कहा इंजेक्शन लगा हुआ मार मारनी है वो खेला भी वही है ठीक है इंग्लिश के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो हम कहते हैं रिजवान के पास थी उसने टॉप ऑर्डर उनका हमें परफॉर्म करते आया मैक्सवेल ऊपर जाते हुए नजर आया रिवर्स लॉकर उनके पास वो प्रोडक्ट थी क्या आपको लगता है कि रिजवान एज अ स्कीपर शायद और ब्रेनी हो सकते हैं जहाँ यूटिलाइजेशन की बात की इंग्लिश आपको पता है कहाँ कहाँ से खेलता ये आप ही बताएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे में. पर्थ में तो वो जो एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हो ना टी ट्वेंटी क्रिकेट जो है जैसे शुएब भाई ने कह दिया दुनिया में ये हाल हो गया कि इंटरनेशनल टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी आए खेलने से आपको एक्सपीरियंस शायद ना मिले क्योंकि लीग्स इतनी ज्यादा हैं आप वैसे ही एक्सपीरियंसड आते हो फर्स्ट क्लास वन डे टेस्ट मैच के लिए डिफरेंट है टी ट्वेंटी इज डिफरेंट तो आप प्लेयर्स इनके नए हैं लेकिन उन कंडीशन के लिए वो एक्सपीरियंसड हैं तो टी ट्वेंटी में इशू नहीं है, तो नहीं है। आ, आपने ये भी बात की कि जी पाकिस्तान की अभी टीम आपको डिसाइडेड नहीं है ऑस्ट्रेलिया के भी ऐसे ही है ऑस्ट्रेलिया तो ने पिछले वर्ल्ड कप की जो टीम थी टी ट्वेंटी की वो उसमें से काफ़ी सारे प्लेयर वैसे एक दो प्लेयर रिटायर हो गए हैं काफ़ी सारे प्लेयर वैसे नहीं खेल रहे ये अब अगले वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं तो ये है। जो प्लेयर्स हैं जो ये खिला रहे हैं ये विद वन माइंड की जी अगले वर्ल्ड कप में इनको तब तक इतना डेवलप कर लें कि वो खेल सकें जो पीछे जो इनके पुराने जो इनके सर्विंग प्लेयर्स थे उनसे आप ये मूव ऑन कर गए हैं तो उनकी भी एक ट्रांजिशनल साइड है जी। अब वो होम में जीत रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ठीक है बट वो भी इसी एक्सपीरियंस के थ्रू जा रहे हैं कि हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए टीम डेवलप अच्छा उनकी भी बात करते हैं

Team. I mean like look when you come to atmosphere. Na, Sydney has one of the most best atmosphere ever. I mean this is a ground that you know you can lie down, you can have a good spell. Yeah gas ni kalina basically. Bada ka, halka ground hai. Lagta hai, na? Or a nice pavilion, nice long room. A beautiful setting. I think it's, it's, it's they're having fun. I sure. mean that's what the culture is all about, you see. कल्चर खींच रहा है ना शहर बहुत जबरदस्त हम फुटबॉल खेले इंजरी पाकिस्तान टीम फुटबॉल बैन था, हाँ था उससे बॉल लिया वो उसने वो में डाइग मार दी <laughs> तो हमारा फास्ट बॉलर हवा में था अब देख रहे सिंगापुर कहां कहा से आई पी एल में पिक हुआ पी एस एल में दिखाया फाइनल और बड़ी लंबी टेम मारता है एग्जैक्टली exactly. और आपने उससे पहले मेरे ख्याल आप दोनों ने इसका भी तस्करा किया जैसे अभी आपने जॉस सिंग्लिस के हवाले से बात किया आपने भी कहा कि यार जब हम खेलते होते तो उससे पहले फोर डे गेम्स होती थी तीन फिर उसके बाद जाके मेन स्ट्रीम हमारा hmm. मैच होता था टिम डेविड जरा बात करें मीडिया से सुनना चाहते हैं जो जिस प्रोडक्ट की हमने बात की है थोड़ी देर में मैं इस तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ मैं जरा बाजु भाई की तरफ जाऊँगा बाजू भाई प्लेइंग एलेवन क्या देखते हैं आज आप जितनी देर में ती है मैं सोचता हूँ मुझे इन्होंने एक, एक स्पिनर खिलाना है वो कौन सा स्पिनर अरफाद ये है ये अरफात या सुफियान मैं मुझे लगता है कि शायद अरफात को ही खिलाएं अब आप, अगर आपने साहबजादा फरहान को सेलेक्ट किया और ओपनर कराया उसको पहले भी टी ट्वेंटी में लेके लेकिन लंबर नहीं उसको दिया था वो ओपनर ही है तो शायद ये प्रसिस्ट करें कि उसको दो तीन मैच एज ओपनर ही खिलाएं तो फिर हसीबुल्ला मुझे लगता है कि पिछले मैच से हसीबुल्ला की जगह स्पिनर स्पिनर एक आपने पांचवा बॉलर तो खिलाना है तो स्पिनर आप एक बीच में डालोगे अब जहाँ तक मेरा रुझान है कि, कि ये अपनी बैटिंग को उस तरह सेक्रीफाइस नहीं करेंगे सुफियान को नहीं खिलाएंगे रफात मिनाहा को ही खिलाएंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर है एग्जैक्टली exactly. जी आपका क्या कहना सर एस के बारे में सहम स्पिनर <laughs> एक बनता है क्योंकि वनडे वाला फार्मूला हमने पहले मैच में अप्लाई होते हुए देखा देखते हैं अभी टीम अनाउंस नाम सोचते हैं उसके बाद सोचते हैं क्या है एक स्पिनर तो बनता ही है एग्जैक्टली <laughs>

I mean, certainly uh, one last chance for Pakistan to kind of come back into the series. And considering that the last game is going to be in Hobart, you know, certainly, you know, our experts over here spoke about it that there can be a chance for Pakistan. Very quickly, moving towards the playing 11 with one change Pakistan, A.Z. Jamal Sibula will sit down in place of Sufyan Mukim, comes in left arm wrist spinner. On the other side, Australia obviously going unchanged. G, Bazibai, how do you see? सुफियान मुक्म एक्साइटिंग मतलब वो रिस्पिनर है लेफ्ट आर्म तो जाहिर है स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आजकल आपको पता है टी ट्वेंटी क्रिकेट में रिस्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट है और सुफियान का खेलना अच्छा पॉजिटिव डिसीजन है शायद मुझे लग रहा था कि बैटिंग को देखते हुए वो कहेंगे कि नहीं हमें ऑल चाहिए बट आई थिंक ब्रेव मूव गुड मूव जी शो भाई अब मैं इस और भी T20 में हम खिलाते थे कामयाब होता गुड नफ का है पाकिस्तान टीम दैट इज मैं वो थोड़ा टेक्निकल रहा हूँ सलमान sure, sure आगा करेगा ना बिल्कुल तो सलमान करेगा हाँ जी अब मैं ये चाहता हूँ चार यही करे नया बच्चा है जरा आए जरा करे दिखाए जरा पता लगे मज़ा आए तो इसका ना देखो इट्स नॉट इजी पिकिंग जी जब भी कोई नया बच्चा खेलता है या स्पिनर खेलता है इट्स नॉट इजी पिकिंग एग्जैक्टली मेरे ख्याल इस कॉन्टेक्स में अभी हमने इंग्लैंड uh, को देखा है। जैसे श्वेब के को उन्होंने कहा कि ओके वट एवर वे यू नो दे मेड शो दैट यू नो वी प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट फॉर एज मैं जरा ऑस्ट्रेलिया की जाने बढ़ना चाहता हूँ बाजि भाई सबसे पहले स्पेंसर जॉनसन एडम जैपान एथन एलिस एंड जेवी बॉटलेट आई थिंक दे दे वर फिनोमिनल इन द फर्स्ट टी20 यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे बाउंस थोड़ा कम होगा बाटलेट जो है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ करता है स्पेंसर जॉनसन जो है वो रिलाई करता है अगर स्विंग ना हो रहा तो रिलाई करता है बाउंसर पे तो देखते हैं वो कैसी बॉलिंग करते हैं एलिस इनका डेथ बॉलर है um, जो बैटिंग की जो आप बात करते हैं ना अब ये इनके एक दो तीन चार पाँच छः ये सब एक ही तरह के खेलने वाले हैं सब आप पे अटैक ही करेंगे तो उसमें जब आपके पास क्वालिटी बॉलिंग हो तो चांस ज़रा बढ़ जाता है आ, डिफरेंस शुएब भाई ने भी बताया डिफरेंस इनका अगर क्रिएट करेंगे तो मेरे ख्याल वो ग्लैन मैक्सवेल और स्टॉइनेस हैं कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है टिम डेविड ने काफ़ी देर से रन नहीं किए बट ये दो प्लेयर्स जो हैं वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आप बाकी अभी तक जेक फ्रेजर मगर क्या मैट शॉट जो है अभी ढूंढ रहे हैं जगह कैसे नेविगेट करना है इंटरनेशनल क्रिकेट तो ज्यादा जो प्रेशर वो देखेंगे या ज्यादा रिलाई वो करेंगे वो मैक्सवेल और स्टॉइनिस पे करेंगे इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एकदम डेविड मारेगा बहुत मारेगा एकदम का <laughs> ये हंटिंग ग्राउंड मैं बता रहा हूं पता नहीं अब देखो मैच बता नहीं रहा है हां अब आप आठ बॉलर हैं उनके पास आठ है एग्जैक्टली exactly. तो मैं बच्चों के लिए ये कह रहा हूँ अगर आपने टी ट्वेंटी फॉर सीरियसली खेलना ही खेलना है तो बॉलिंग और दो, बैटिंग दो। दोनों ही करनी है आपने जी अनऑर्थोडॉक्स करें जैसी मर्जी करें आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों सीखनी पड़ेगी बता थिंग इज ये सिस्टम का प्रोडक्ट है ऑस्ट्रेलिया एक लंबा एक प्रोसेस है इनके पीछे से वो हाई स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं सिस्टम से निकलते हुए आ रहे हैं यहाँ तो तक पहुँचे हमारे बच्चे चुबोर्जी से निकल के पहुँचे हैं तो बट तो 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 पौरे हम टिमेंबर <laughs> सिर्फ चांस दिया था अबिलिटी टू अबिलिटी टू रिवर्स द बॉल और कैसे डराना है क्या करना है वो ब्रांड बिल्डिंग खुद की है सारी ठीक है रिमेंबर दिस हम एक रॉ रफ टैलेंट है और वो हम चाहते वो आता रहता है

up at the Gabba, but tell me about what cricket have you had in recent times? I think the CPL in the Caribbean was your last tournament? Yeah, so after the white ball tour of the UK, I went over to the Caribbean, had the CPL, and then uh, a couple of weeks at home prepping for this Pakistan series. So no cricket when you were back in Perth? A lot of practice, but no matches, yeah. It's a very uh, luxurious period being able to be home and play no cricket, so I really enjoyed that. Well, that, that does interest me. I, I guess I'm, I didn't do the exact calcula calculation, but... Across the CPL, uh, not a huge number of balls face, and that's the nature of the beast that you are at the moment in this format. How does that go to your mindset? Initially, about three years ago, that everyone expected that and you could go in short innings, but does it change you? Do you want to be facing more balls? It's a tough one because um, I suppose I really flourish in that role where you try and score as quickly as you can, and then as you get more experience. Read more about the game, pick more things up, you want to have more of an impact, and sometimes you take too much information in. So um, sometimes it's about simplifying it when you do see more. Um, but yeah, there's different roles in different teams, and most often I'm um, finishing it off at the back end, end of the inning. So it's about trying not to judge yourself too harshly when it doesn't go well because those days can be filmed wise words from Tim David uh, a lot of practice but no matches i think it's, it's always the practice which keeps you going we just i think moments away from taking you to scg so very quickly sir australia pakistan which will be easier or are yeah, difficult either way wo 180 plus if pakistan inko usse usse i think इस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के पास चांस है हम मतलब रेफरेंस पॉइंट वही है 150 पाकिस्तान ने चेज़ किया हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ 160 170 उससे 180 से ऊपर होना शुरू हो जाएगा फिर प्रॉब्लम है आई थिंक द वे उनकी बैटिंग स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही इसीलिए है कि 180 से कम होए हो ना पाकिस्तान उसको चेज करने में कामयाब होगा सिडनी में अगर एक सौ अस्सी तक